आपका जो कामकाज है पिछले एक साल से जिस तरीके से चल रहा है और अभी तक जिस तरह से हम नियंत्रण में रख पाए हैं कोरोना के केसेस को, क्या ये दूसरी लहर भी निकल जाएगी? कितनी कितनी चिंता चिंता है है सरकार सरकार को? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से चिंता का तो कारण है और सबके लिए कारण होना चाहिए, खाली सरकार के लिए या स्वास्थ्य मंत्री के लिए ही नहीं, अपितु देश के हर नागरिक के लिए चिंता का कारण होना चाहिए। और देश के नागरिकों को और सरकारों को, सबको ये समझना चाहिए कि अब जब एक साल में हम कोविड के खिलाफ जंग लड़ने के सारे तरीके सीख चुके हैं और विषम से विषम परिस्थितियों से भी बाहर निकलकर हम एक प्रकार से सफलता की चरम सीमा की तरफ बढ़ रहे थे, ऐसी स्टेज पर अब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंदर हमारी तरफ से किसी भी किस्म की लापरवाही जो है वो किस प्रकार से केसेस को दोबारा से बढ़ने की ओर ला सकती है, ये हमको नजर आ रहा है। मैं इसको इस तरह से कहूंगा कि शायद कोविड तो अब समाप्त होना चाहता है, कोविड तो जाना चाहता है, लेकिन हम लोग को शायद कोविड से ज्यादा प्रेम हो गया, इसलिए हम लोग कोविड को जाने नहीं देना चाहते। जिस प्रकार से समाज में हम देख रहे हैं कि लोग अब इतना कैजुअली ले रहे हैं, इतना लाइटली ले रहे हैं, कोई मास्क को ठीक से गंभीरता से नहीं पहनता है, जो बेसिक 4 ही 5 बातें बताई गई हैं जो बिल्कुल आसान है, मास्क को ठीक ढंग से पहनना, साबुन से हाथ धोते रहना, 2 गज की दूरी बनाकर रखना और अपने जो इन्फेक्टेड हाथ हैं उनको बार बार नाक मुंह पर आँख पर नहीं लेके जाना, यही तो बातें हैं जो बार 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 कही गई हैं। अब अगर इन बातों को भी अगर फॉलो करने में हम किसी प्रकार से जो है कैजुअल ढंग से काम कर रहे हैं तो ये निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। तो आपके आकलन में डॉक्टर हर्षवर्धन, चूंकि पूरी दुनिया में अगर पहला वेव आया तो सेकंड वेव फॉलो किया, तो ये एक एक बीमारी के लाइफ साइकिल के हिसाब से हम देखें, या फिर हम ये माने कि हमने कोताही की है? इसको व्यक्तिगत तौर पर इसको मैं कोताही इसको ज्यादा मानता हूं, क्योंकि देखिए वायरस की जो भी टोटल जो हिस्ट्री है वो 1 सवा साल की है। इसको जितना भी समझा जा रहा है, जिसके बारे में जितना भी अध्ययन हो रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हो रहा है, उसके आधार पर एकदम डेफिनेटली तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वायरस अपनी जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसमें भी चेंज करता रहता है। वो वायरस में म्यूटेशंस इत्यादि होना ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है, वो कोई एबनॉर्मल भी नहीं है। इसलिए इसको सारे दुनिया के ट्रेंड की तरह ये भारत में उसी प्रकार से कोई सेकेंड वेव की तरह से इसको मानना, या ये हम सब जो है अब देखिए ना किस प्रकार से जो सुपर स्प्रेडर इवेंट्स हमारे देश में बढ़ रहे हैं, सोशल गैदरिंग्स बढ़ रही हैं, जैसे हमारा नॉर्मल लाइफ पहले चलती थी प्री कोविड, अधिकांश स्थानों पर आप उसी प्रकार से लोगों को बिहेव करते हुए देख रहे हैं, रेस्टोरेंट्स के अंदर देख रहे हैं, सोशल फंक्शंस देख रहे हैं, मैरिजेस के अंदर देख रहे हैं और दूसरे भी जो ये पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं, दूसरी चीजें हैं, सभी में लोग बहुत ही अब कैजुअल ढंग से जो है इनको चीजों को ले रहे हैं, जबकि हमको सब कुछ पता है। और दूसरी बात यह है कि जो हमने एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटिंग की जो स्ट्रैटेजी थी, अब टेस्टिंग जो है पर्याप्त मात्रा में करके और हम तुरंत जब पॉजिटिव केस होता था उसके सारे कॉन्टैक्ट को ट्रेस करते थे, कॉन्टैक्ट को ट्रेस करके उनको आइसोलेट करते थे, चाहे घर में ही रखते थे, उनके ऊपर हम पैनी निगाह रखते थे और फिर अर्ली ट्रीटमेंट हम करते थे, चाहे घर में करते हैं, अस्पताल में करते हैं, वो सारी चीजों के अंदर भी जो है थोड़ा सा हमको लगता है कि लैक्सिटी आई है लोगों को। अब ये लग रहा है कि एक तरफ लोगों को लगता है कि लोगों ने इतने दिन में क्या देखा कि इतने बड़े देश में 1,19,00,000 लोगों को कोविड हुआ, 1,13,00,000 से ज्यादा जो है वो ठीक होकर घर चले गए, दुनिया का सबसे कम फेटेलिटी रेट 1.35% केवल हमारा है और हमारा रिकवरी रेट एक स्टेज पे आपने देखा 97% तक पहुंच गया था, अभी शायद 94-95 के बीच में है। तो ये सारी चीजें लोग देख रहे हैं, फिर दूसरी तरफ लोग क्या देख रहे हैं कि अब वैक्सीन आ गई है, लोग समझ रहे हैं वैक्सीन आ गई है, मुझे लगी है या नहीं लगी है, लेकिन शायद अब ये कोविड जो है ये समाप्ति की ओर है। इसलिए ये सबसे ज्यादा आवश्यक है कि हम
कोविड को जितनी गहराई और गंभीरता से एक साल पहले लेते थे, जिसके कारण देश में प्रधानमंत्री जी को लॉकडाउन करना पड़ा और उसके बाद से हमने धीरे धीरे करके सारी समाज ने, टोटल सोसाइटी ने होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच अपनाई, गवर्नमेंट ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच अपनाई और सारे स्वयंसेवी संगठन मिल गए, सारे लोग अवेयरनेस के अंदर लग गए, सारे कम्युनिकेशन के मैकेनिज्म्स हो गए, आप लोग भी टेलीविजन से रोज रोज सब बातें, वही बातें बार बार लोगों को बताते थे, ब्रॉडली लोगों ने उसको फॉलो भी किया, सारे स्टेट्स ऑन बोर्ड रहे, नीचे तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स तक गाइडलाइंस, 20 लाख से ज्यादा हमने डेडिकेटेड जो है बेड्स देश में क्रिएट कर दिए, कोविड के हॉस्पिटल, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, कोविड केयर सेंटर्स, 12-15 हजार क्वारंटाइन सेंटर्स, यानी एक लैब से हम 2430 लेबोरेटरीज तक पहुंच गए, एक एक दिन में 1 मिलियन से ज्यादा टेस्ट, कल भी हमने 11 लाख से ज्यादा टेस्ट किए हैं। तो ये जो सारी चीजें हम लोगों ने बेसिकली की, और अब अगर थोड़ा सा इस सब के कारण लोगों को लग रहा है और कि अब शायद हम मतलब इतनी पॉजिटिविटी के कारण दुनिया में सबसे अच्छा हमारा परफॉर्मेंस रहा है इतने बड़े 135 करोड़ के देश होने के कारण, तो बहुत सारे लोगों के मन में आ गया कि भाई इसमें कोई इतनी ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत तो हो भी जाता है इन्फेक्शन तो हम ठीक ठाक हो जाते हैं। लेकिन यहीं पर हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा गलती हो रही है, बार बार इसको आग्रह पूर्वक हाथ जोड़कर हम लोग निवेदन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी अपने हर वक्तव्य में, हर राष्ट्र के नाम संदेश में इसकी बात करते हैं, हर सप्ताह हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं जो 4 बजे, उसमें सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर वी के पॉल, डॉक्टर बलराम भार्गव, ये सारे हमारे वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं, अधिकारी हैं, ये लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं जी। तो मेरा आज के इस अवसर पर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों से ये कहना है कि कृपया देखिए इसको लाइटली मत लीजिए, सफलता की एक स्टेज तक हम पहुंचे हैं, थोड़ा सा आप सब लोग और कोऑपरेट करेंगे तो निश्चित रूप से ये दौर भी निकल जाएगा, और इसके साथ साथ अगर हम जो वैक्सीनेशन का काम है इसको भी एक बड़े पैमाने पर जन आंदोलन के रूप में विकसित करेंगे।